आज का टॉपिक बेसिकली फजांस रूल के ऊपर होगा। फजांस बाबा ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उनके बोलने के बाद भी उनके बातों का अगर अर्थ निकाला जाए तो बहुत सारी चीज़ें मैच करेंगी। अभी 12th तक की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ते जाएंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आएंगी, वो सारी चीज़ें फजांस रूल में वैलिड हो सकती है। 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, 1 से 2 में तो बहुत क्वेश्चन हो गए। अभी अगर बात करो तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर की बात आएगी, हेडिंग करेंगे पोलराइजेशन। जेड से भी लिखते हैं, एस से भी लिखते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग गलतियां हो सकती हैं। पोलराइजेशन की अगर बात करें तो इसमें 2 चीजें आएंगी, पोलराइज होना। पोलराइज होने की मतलब क्या होती है? पोल्स बनाना, और पोल्स की मतलब कल सिखाया था डाइपोल मोमेंट मैंने, ठीक है। तो पोल्स का बनना, पोलराइजेशन होना मीन्स अगर मान लेते ये कोई कंपाउंड है, इस पर कोई पोल नहीं है, आगे चल के ये पोलराइज होके डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव बना रही है, इसको बोलेंगे न्यूट्रल और इसको बोलेंगे पोलर। मीन्स दिस कंपाउंड पोलराइज, मतलब ये कंपाउंड पोलराइज हो गया, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के हरकत को बोलेंगे पोलराइजेशन हो रहा है। छोटे छोटे टर्म से पहले वो जान लो, क्योंकि डायरेक्ट में बताऊंगा तो दिक्कतें में फंस जाओगे, बाद बाद में फिर टर्म्स आएंगे छोटे छोटे वहां पे दिक्कत होगी। तो पहले देख लेते हैं, इस टर्म को पोलराइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक यहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज है, अगर यहाँ पे डॉट 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 दे दूं, यहाँ पे मान लेते कटायन ये निगेटिव ही है, चलो, और एनायन ये मान लेते निगेटिव है, तो ये हो गया एनायन और ये हो गया कैटायन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मीन्स इन दोनों में कोई असर नहीं हो रहा है, मीन्स इन दोनों को बुलाकर बोलेंगे नॉन पोलर। अगर यही कैटायन इस निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगे, ऐसे निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव का वेट जो होता है भारी होता है, इसलिए पॉजिटिव किसी की तरफ मूव नहीं करेगा, पॉजिटिव किसी को खींच सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को ये कैटायन अब असर करने लगा, अपनी तरफ खींचने लगा, ये निगेटिव ऐसे ऐसे हो गया, मीन्स ये एनायन ही है और ये कैटायन ही है, लेकिन यहाँ पे पोलर हो गया, पोलराइज हो गया, ऐसा बोल सकते क्या? तो पोलराइज कौन होगा? मतलब एनायन। तो एनायन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चला गया। अभी देखो बेसिक ही बता रहा हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें लिखनी है अभी तुम लोग को, आराम से घर पे लिखना, क्योंकि अभी समझो चीजों को, चीजें मिस होंगी ना तो दिक्कत होंगी, इसलिए आराम समझो। पोलराइज जो होता है उसको बोलते हैं कि इसकी पोलराइजेशन हुई है। तो कभी भी टॉपिक देके पूछ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कभी भी याद रखना एनायन का पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? पोलराइज करने की पावर को पोलराइजिंग पावर कहते हैं, वो होती है कैटायन की ड्यू टू इट्स वेट। तो इसमें लिख लेना पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो इसमें लिखना द स्पीसीज दैट पोलराइज द अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ दैट स्पीसीज। मतलब इसमें एक अगले पॉइंट में लिखें कैटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन एनायन, ये इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन करके लिखना द स्पीसीज दैट गेट पोलराइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसमें नीचे में लिखना एनायन, एनायन गेट पोलराइज्ड, मतलब एनायन पोलराइज होगा और कैटायन पोलराइज करेगा, क्लियर है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये सब बना लेना, इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें बना लेना। बनाने के बाद अगर मैं बात करूं, सुनना, अगर ये ज्यादा पोलराइज हो पा रहा है, ठीक है, अगर ये छोटा साइज का कैटायन है, सुनना, कैटायन मीन्स प्लस वन की बात किया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, नहीं तो फजांस रूल 5 मिनट में ओवर करूंगा और सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे के सारे, यकीन मानो 5 मिनट में खत्म करके। कल जैसे फॉर्मल चार्ज सिखाया था 2 मिनट में खत्म करके वो उसका सारे क्वेश्चंस बना सकते थे, ऐसे ही 5 मिनट में फजांस रूल भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक सीखो, बेसिक इंपॉर्टेंट है। देखना अगर ये पोलराइज हुआ, पोलराइज मीन्स ज्यादा से ज्यादा निगेटिव इसके तरफ जाने लगा, मीन्स ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलिटी इसकी होने लगी, ये न्यूट्रलाइज होने लगा, मीन्स ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगे, और ज्यादा से ज्यादा जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरे पास कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी ज्यादा पोलराइजिंग होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी
तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड होंगे। देखना यहाँ पे न्यूट्रलाइज होने लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे मोर द पोलराइजिंग, मोर द पोलराइजिंग मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फॉर्म्ड। ठीक है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, ज्यादा पोलराइज होगा तो, सो द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ये लिखेंगे दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर है। अब बातें आती हैं थोड़ी सी, ये क्लियर हो गई कि पोलराइज होगा एनायन, पोलराइज करेगा कैटायन, क्लियर है, साफ साफ रखना दिमाग में, क्योंकि एकदम बेसिक से जीरो लेवल से जाकर बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, पोलराइज होगा एनायन, पोलराइज करेगा कैटायन, कैटायन पोलराइज नहीं होगा क्योंकि ये हैवी एटम्स होते हैं, हैवी होते हैं, प्रोटॉन्स का वेट जो होते हैं हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है मूव कर सकता है, प्रोटॉन नहीं मूव कर सकता है, तो पोलराइज होगा एनायन, तो पोलराइजेशन होगा एनायन का, कभी भी कैटायन का पोलराइजेशन नहीं होगा, दिमाग मत रखना, पोलराइज करेगा कौन, तो कैटायन, क्लियर। अब बातें आएंगी कि जितना ज्यादा पोलराइज होगा, पोलराइज मीन्स पोल बनाना, अब जितना ज्यादा नजदीक जाते जाओगे, जितना ज्यादा कैटायन के नजदीक जाते जाओगे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, बोलो। अब जितनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, मतलब जितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती जाएगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते जाएंगे, और जितनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते जाएंगे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नाम देंगे जो कि होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, मींस कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि यहां पे मोर द पोलराइजेशन मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिक है, अभी आते हैं लेवल में, लेवल में आऊंगा तो 5 मिनट बोल रहा हूँ, 5 मिनट में सारे खत्म होंगे, सीखते चलो। अभी यहां पे लिखेंगे ग्रेटर द चार्ज, सुनना, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, अगर ये चार्ज कैटायन का बढ़ा दे, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन दैट इज ब्रैकेट में लिखना Na प्लस Mg2 प्लस, अगर ऐसा कर दिया मैंने Na2 प्लस Mg2 प्लस कर दिया, तो Na प्लस Mg2 प्लस 2 प्लस के पास ज्यादा चार्ज है, उतनी ही ज्यादा इसको पोलराइज करेगा, तो लिखना इसमें दैट इज मोर पोलराइजिंग अकर ऑन एनायन, एनायन का उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, दिमाग में सेट कर रहे हैं ना, जितनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मींस कोवलेंट कैरेक्टर, फिर तो घुमा के आ जाएंगे, दैट इज मोर द पोलराइजेशन ऑफ एनायन अकर सो स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड इज फॉर्म दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ये सब बातें बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट जा सकता था, यहां पर लिखना। अब तीसरी पॉइंट में अगर मैं लिखूं, सुनना, स्मॉलर द कैटायन, अगर सेम चार्ज है, फॉर सेम चार्ज लिखा मैंने, ये घर पे लिखना आराम से, रुका रुका के समझ लो, अगर सेम चार्ज है, जैसे मान लेते मेरे पास लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, तीनों पे एक ही प्लस है, अब इनमें पोलराइज करने की पावर किसकी होगी, क्योंकि जो जितना ज्यादा पोलराइज करेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, ठीक है। अब सुनना, किसका ज्यादा पोलराइज करने की पावर होगी, तीनों में एक एक पॉजिटिव है, एक दिन बताए थे तुम लोगों को जब हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बात किया था इस टॉपिक पे, क्या बात किया था कि क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, नाइट्रोजन के पास भी 3 है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है लेकिन क्लोरीन नहीं है, क्योंकि लार्ज साइज होते जाएगा और सेम चार्ज होंगे तो जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं चारों तरफ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज इफेक्टिव नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये देखो पॉजिटिव चार्ज इतना दूरी में है और इतने दूरी में 1 2 3 4 5 6 7 सात पॉजिटिव डालना, सात ही पॉजिटिव डालूंगा, अब बोलो ये इफेक्टिव है कि ये इफेक्टिव है, तो कम दूरी में ज्यादा चार्ज होना मीन्स हाईली कंसेंट्रेटेड, हाईली पावरफुल, ये लिख लेना कहां पे, यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये याद होना चाहिए, ये सब चीजें कॉपी में लिख के नहीं फायदे, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो साइड में। तो जितनी बड़ी साइज होती जाएगी उतनी ही पावर कम होती जाएगी, क्योंकि उतनी दूर में पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो पॉजिटिव की पावर कमजोर हो जाती है, तो स्मॉलर द कैटायन, जितनी छोटी छोटी कैटायन्स होंगे सेम चार्ज के, हैव मोर पोलराइजिंग पावर, हैव मोर पोलराइजिंग पावर, एंड सो ज्यादा पोलराइजिंग पावर होंगे, एंड सो द मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर है। ये सारी चीजें घूम फिर के एक ही जगह आ रही है,
कि ये सारी इफेक्ट जो हो रही है पोलराइजेशन ही करने में आ रही है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आने की संभावना, मतलब उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की संभावना। सुनना, अगर मान लेते लिथियम या क्लोरीन है, इसके बीच में पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, मान लेता हूं, अगर ऐसा नहीं है ऐसे इससे भी ज्यादा है बहुत सारे, इसको मान लेता हूं बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, मींस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लैटिस इफेक्ट, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। लैटिस एनर्जी किसको कह रहे थे, कल परसों पढ़ाया था, परसों चौथा क्या पढ़ाया था, लैटिस में फिट बैठने के बाद जो एनर्जी लूज करता है, मींस हाईली अनस्टेबल मिल के जो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, लैटिस एनर्जी। तुम लोगों ने अगर किया होगा, नहीं छोड़ भी देते हो तुम लोग कुछ कुछ, तो जितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉल उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा बताएंगे आगे। अब जितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट होगा, और जितनी जल्दी अट्रैक्ट होगा मींस उतनी ही जल्दी स्टेबल होगा, मींस अनस्टेबल पहले था हाई एनर्जी, उतनी ही जल्दी लो एनर्जी, मींस उतना एनर्जी निकल जाता है, तो लैटिस एनर्जी उतनी ही हाई हो जाती है, ठीक है। इसको लिख लेना थोड़ा सा, इसको लिखने के बाद एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस, या KCl, NaCl और LiCl। कोवलेंट नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो स्मॉलर कैटायन सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस LiCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl देन KCl। तो इसमें पूछ सकता है आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो KCl देन फलाना, वो लिखवाता हूं, वो आगे आता है। अब बातें थोड़ी सी आगे आएंगी कि सर यहां पे लिखना कोवलेंट नेचर ब्रैकेट में, आगे आएंगे कि सर पोलराइजिंग पावर अगर देख लिया किसका ज्यादा है, मींस कोवलेंट ज्यादा है, मैं बोलूंगा हाँ ये तो पता चल जाएगा, आयनिक में पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं 2-4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा देता हूं जो कि तुमको 12th तक के काम आएंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल में एकदम थक से काम दे देंगे, ठीक है। वही पॉइंट्स के लिए मैं यहां सब समझा रहा था, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत और आएगा, और जैसे ही मैं पॉइंट्स लेके आऊंगा सारी चीजें का एक सब कुछ सामने होगा तुम लोग के, जितना लेवल के क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन होंगे सबकी बैंड बजेंगे आज। देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं पोलराइजेशन की, पोलराइजिंग पावर की, तो पोलराइजिंग पावर किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता होगा ना, पोलराइजेशन, बोलो, पोलराइजेशन डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, मतलब सबसे पहला चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज कितना ज्यादा है। अगर 1+ था, अभी देखा ना हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके, कि अगर 1+ है तो कुछ नेगेटिव को खींचेगा, 2+ कर दो और ज्यादा खींचेगा, 3+ कर दो और ज्यादा खींचेगा, मतलब और ज्यादा पोलराइजिंग पावर और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। देखा, मींस फाइ से अगर डिनोट करेंगे ये पोलराइजिंग पावर है, लिख लेना पोलराइजिंग पावर, तो चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय साइज पे भी डिपेंड करता है, साइज बड़ा कर दो पोलराइजिंग पावर घट जाता है, रेडियस का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है पोलराइजिंग पावर का, बाई चांस यूज किया तो यूज किया, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन करना है, और इन दोनों का फॉर्मूला याद कर लो, या फिर जितने मैंने बताए हैं अच्छे अच्छे पॉइंट उनको समझ लो, समझना बेटर होगा, कारण कि समझोगे तो वो चीज़ों को कहीं अप्लाई करोगे, याद करके कोई फायदे नहीं होंगे। अगर मैं आगे की बात कर लूँ थोड़ा सा, ये थे अपने फजांस रूल, अब हम अपने मूड में आते हैं थोड़ा फजांस रूल के, अब देखो कितना अच्छा फजांस रूल चलेगा। अभी तक ये सब समझा रहे थे कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, किसके चलते पोलराइजिंग पावर बढ़ता है, क्यों पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होने से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इतनी दिमाग में बस डाल लिया, तो अब शुरू कर देते हैं। सुनना, फजांस रूल, FAJANS, स्पेलिंग अपना देख लेना भाई, किसी किसी को डबल जे लगाने होंगे तो डबल जे लगा लेना, फजांस रूल। सुनना इधर, पहला पॉइंट, स्मॉलर द कैटायन, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं दे रहा हूं, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, सुनना जिस तरह से मैं दे रहा हूं नहीं मिलेगा कभी भी, सब कुछ अलग अलग मिलेगा, कहीं एक जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा, देखना अच्छे से ट्रीट करना है सबको। सेकंड स्मॉलर एनायन, थर्ड की अगर बातें करूं तो ग्रेटर द चार्ज, ठीक है, इन तीनों पे डिपेंड करता है फजांस रूल का। एक और पॉइंट है, उसको नोट करके लास्ट में लिखवाऊंगा, क्योंकि वो इन सबसे मेल नहीं खाता है, ठीक है। एक और पॉइंट है, चार पॉइंट्स मेल खाते हैं, तीन नहीं, एक और लिखवाता हूं, लेकिन अभी रुक जाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है,
जितना स्मॉलर कैटायन होगा, अभी पढ़ा हम लोगों ने क्यों स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बनाता है, स्मॉलर कैटायन हाई पोलराइजिंग पावर मींस हाई कोवलेंट नेचर, तो स्मॉलर कैटायन ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किसका होता है, पोलराइजिंग पावर एनायन की कैटायन, तो पोलराइजिंग पावर कैटायन का होता है सर, एनायन का नहीं होता है, एनायन पोलराइज होता है, पोलराइजिंग पावर जो होता है वो कैटायन का होता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहां पे अगर, तो स्मॉलर कैटायन या लार्जर एनायन या ग्रेटर चार्ज, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, अगर कोवलेंट ज्यादा है तो आयनिक क्या है, इनवर्सली हो जाएगा वन बाई, तुम लोग डिटेल में लिखना अभी कुछ मत लिखना, आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट ज्यादा मीन्स आयनिक कम, यहां देखना कोवलेंट ज्यादा सॉरी आयनिक कम वन बाई आयनिक, अगर आयनिक कैरेक्टर कम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जितनी ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यही ना होती है, तो यहां पे वन बाई एमपीबीपी, यहां पे पांचवे में आते हैं, तो सोल्युबिलिटी की बातें करेंगे थोड़ा सा, सुनना सोल्युबिलिटी एक चीज पे और भी डिपेंड करती है, और लैटिस एंथैल्पी का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी, ये सारी चीजें एक साथ काम देगी, अभी ये सारी ड्राम बाने एकदम धक से आंसर देगा, देखना यहाँ पे अगर मैं बोलू सोल्युबिलिटी तो वन बाई सोल्युबिलिटी इन पोलर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी इन नॉन पोलर, ठीक है, एट अगर लिखू तो इनवर्सली टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये सारे फैक्टर है हमारे कोवलेंट फजांस रूल के, इतने एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। अब इसकी बात क्या है सर, इसकी आप बता रहे थे कि पांच मिनट में सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये मेरे को दो मिनट लिखने में लगा, तीन मिनट में सारी चीज खत्म, देखो ठप्पा मार के खत्म करता हूं, देखो एग्जांपल्स एग्जांपल्स समझोगे तब बुझो समझोगे कि ना सर बड़े मजेदार पॉइंट्स आपने बता दिए। जैसे मैं बोलूं LiCl, NaCl और KCl, इसमें से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके होंगे, तो यहां देखो एनायन सबके सेम है, या तो हमको पहले कैटायन चेक करना है, तो कैटायन अलग अलग है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन मीन्स एनायन सेम चार्ज सेम मीन्स इसको देखने है, तो स्मॉलर द कैटायन, स्मॉलर कैटायन कौन है, लिथियम, ये सारी चीजें पता होंगी, ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ता है, ये सारी चीजें बेसिक्स है, लिथियम सबसे स्मॉलर, देन ये मीन्स स्मॉलर द कैटायन, हमको क्या चेक करना है सर, आयनिक कैरेक्टर, चलो स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर, वन बाई है ना, तो ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर, तो मतलब लार्जर द कैटायन, सॉरी उल्टा हो गया ना, स्मॉलर द कैटायन लार्जर द कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर में सजा देते हैं, इसकी कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी, तो आयनिक कैरेक्टर किसकी होगी, उल्टा, तो KCl की सबसे ज्यादा, देन NaCl, देन LiCl, एक मिनट में काम होते हैं, इससे कभी भी कहीं चूक नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल दूसरा करते हैं, सुनना अगर मैं बोलू FeCl2 एंड FeCl3, इसमें से सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, तो यहाँ पे कैटायन भी सेम है सर, एनायन भी क्लोरीन है, दोनों सेम है, चार्ज की डिफरेंस है, Fe2+ है या Fe3+ है, अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक कौन है, FeCl2 इज मोर आयनिक देन FeCl3, आराम से कर सकते हो। अगर मैं बोलूं यहाँ पे सुनना, ये सारी चीजें तो कुछ समझ में आती भी है थोड़ा सा, लेकिन ये सारी चीजें अब समझ में भी नहीं आएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, खैर इसमें एक्सेप्शन है थोड़ा सा, ठीक है ऐसे देख लेते हैं, एक्सेप्शन नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड is highly covalent, covalent means strong bond की बातें हो रही है, सुनना highly covalent, strong bond होगी, अगर strong bond होगा तो वो soluble क्यों होगा, नहीं होगा, तो highly covalent होने के साथ साथ तो solubility इसकी कम हो जाती है, ऐसे यहां से direct भी मिल सकता है, is highly covalent, so it is it लिखना है क्या बोल सकते हैं, या ऐसे लिखना है aluminium chloride is highly covalent but due to having high heat of hydration,
हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसके पानी में पड़ते ही इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AlCl3 इंक्रीजेस एक्सेप्शनली, लिखना एक्सेप्शनली, जिसकी कोवलेंट बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग वो उतनी ही कम घुलेंगे पानी में, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा घुल जाते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स के साथ अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे यहाँ पे BaSO4 MgSO4, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोलता है सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, सबसे पहले चेक करेंगे सल्फेट सल्फेट सल्फेट, एनायन सेम है, कैटायन अलग अलग है, कैटायन में यहाँ 2+, यहाँ 2+, यहाँ 2+। अब बेरिलियम फैमिली की बात है तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ऐसे है बेरिलियम सबसे छोटा, देन इससे बड़ा मैग्नीशियम और सबसे बड़ा बेरियम, तो यहाँ लार्जर द एनायन, जितनी लार्जर एनायन ठीक है उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम, 1/ सॉल्युबिलिटी है, तो जितनी लार्जर एनायन मींस इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ही कम होगी, मींस BaSO4 MgSO4 BaSO4, ठीक है। इस तरह से करके कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन पोलर भी पूछ सकता है, सुनना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, बोलेगा सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे पोलर के लिए इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन पोलर के लिए। अगर बोलेंगे उससे उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया, इधर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा BaSO4 का होगा, देन इसका होगा, सुना सुना ऐसे पूछ सकता है, लार्जर द एनायन ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो BaSO4 सबसे लार्जर एनायन, सॉरी कैटायन, ओ तेरी यहाँ कैटायन है ना अलग, थोड़े से अलग है, यहाँ Ba2+ है, Mg2+ है और Be2+ है, थोड़े अलग हो गए। स्मॉलर द कैटायन लार्जर द सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सबसे ज्यादा किसके होंगे, हाँ वही कैटायन है, मैंने एनायन ले लिया था, वही उल्टा हो रहा था, तो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सबसे ज्यादा किसके होंगे, तो जिसके स्मॉलर कैटायन होंगे, मींस इनकी सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इन पोलर दोनों लिखना, सॉल्युबिलिटी इन पोलर में किसकी ज्यादा होगी, तो जिसके स्मॉलर कैटायन है उसका सॉल्युबिलिटी उतने ही कम होगा, पोलर में मींस Be2+ में सबसे कम, देन Mg2+, देन Ba2+, आई थिंक थोड़ा सा दिमाग में गया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं ये मैं एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, जब तुम लोग 3-4 महीने के बाद तब ये सारी चीजें आएंगी फिर से, उस समय कहोगे अरे सर फजान सुल्ला आपने बहुत अच्छा चीज बताया, क्योंकि यहाँ पे देख के पता नहीं चलती किसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। अगर मैं मिटा के और भी क्वेश्चंस की बात करूँ, आराम से घर पे लिखना, एग्जांपल जितना देता हूँ, देखना यहाँ पे BaSO4 CaSO4 और MgSO4, इसमें अगर लैटिस एंथैल्पी की बातें करो, इंक्रीज द अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी, तो लैटिस एंथैल्पी की बात करूंगा, देखना फिर से सल्फेट है सल्फेट है सल्फेट है, 2+ है। अब साइज की बात करते हैं, Mg सबसे छोटा, देन कैल्शियम, देन बेरियम, तो कैटायन की साइज की वेरिएशन है। अब अगर ये याद हो गया है तो काम खत्म, सर स्मॉलर द कैटायन लार्जर द लैटिस एंथैल्पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, तो स्मॉलर द कैटायन लार्जर द लैटिस एंथैल्पी मींस लैटिस एंथैल्पी ऑफ स्मॉलर कैटायन Mg देन दिस, बोलो क्या कहते हो, थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा। एक और एग्जांपल दो क्या, यहाँ पे कुछ मैंने इतने खतरनाक ढंग से लिखे, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या एग्जांपल लिखे थे, एक दो एग्जांपल मैंने लिखा था जल्दी जल्दी ढूंढ के कि वो एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को, लेकिन बहुत ही खतरनाक ढंग से लिखा, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा, क्या छोड़ो यहाँ देख लो। अगर मैं बोलूँ एल्युमिनियम फ्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम ब्रोमाइड एंड एल्युमिनियम आयोडाइड, इसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, पोलर नॉन पोलर दोनों, ठीक है। या फिर पहले बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की, लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, मींस कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। तो जैसे बात कर ले यहाँ पे, सुनना सब में कैटायन सेम है, AlF3 AlCl3 AlBr3 है, सारे में 3-3 है,
ठीक है, सारे में चार्ज भी सेम हो गया। अब बातें आ जाएंगी कि एनायन अलग अलग है, तो लार्जर द एनायन, एनायन के बात आएंगी तो लार्जर एनायन, लार्जर एनायन इज दिस वन, आयोडाइड देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड देन आयोडाइड फ्लोराइड। तो लार्जर द एनायन, सुनना, लार्जर द एनायन ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी, मींस Al(I)3 की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू AlBr(III), एज कंपेयर टू AlCl(III), एज कंपेयर टू AlF(III)। लैटिस एंथैल्पी मेनली कहीं कहीं चेंज भी होगा, थोड़ा थोड़ा देख लेना, यहाँ पे कहीं कहीं लैटिस एंथैल्पी चेंज भी होगा, लैटिस एंथैल्पी साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा हो जाता है एटम, तो वहां लैटिस एंथैल्पी कम हो जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे आगे चल के हम लोग, अभी के लिए लिख लो तत्काल फिलहाल, ठीक है। अगर सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी नॉन पोलर के देखें, पोलर का तो लार्जर एनायन स्मॉलर सोलिबिलिटी, मीन्स सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी स्मॉलर एनायन, मीन्स AgF का होना चाहिए, AgF का, ठीक है। अगर मैं और भी एक क्वेश्चन की बात कर लूँ, जैसे Ca3PO4 CaSO4, ठीक है, इन दोनों की अगर बातें मैं कर लूँ तो इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है। चलो लैटिस एंथैल्पी जिसकी जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, ये भी लिख लेना यहाँ पे, जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मीन्स यहाँ पे 9th पॉइंट पे लिख लेना ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द कोवलेंट करेक्टर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का एक पॉइंट है लिख लेना इसमें, ग्रेटर द स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, देखना कैल्शियम भी सेम है, कैल्शियम भी सेम है, एनायन अलग है, एनायन अलग है, चार्ज चेक कर लेते हैं, जब एनायन अलग हो सेम ना हो चार्ज पे चले आएंगे, चार्ज चेक कर लेंगे, यहाँ फॉस्फेट के चलते यहाँ 3+3- होगा और यहाँ सल्फेट पे 2- होगा, मीन्स ग्रेटर द चार्ज, तो ग्रेटर द चार्ज कौन है, 2- या 3- पहले बताओ, तो 3- इज ग्रेटर चार्ज, यहाँ मैं देखना कि 3- क्या है, निगेटिव 3 मतलब 3 चार्ज है, पॉजिटिव 2 मीन्स 2 चार्ज है, साइन यहाँ कोई मैटर नहीं करता है, चार्ज का देखना है, तो ग्रेटर द चार्ज, चार्ज ज्यादा होने पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मीन्स Ca3PO4 इज मोर स्टेबल देन CaSO4, ठीक है। ऐसे ही स्टेबिलिटी आ सकता है BaSO4 CaSO4 में, कौन सा स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे अभी अभी तो करवाए ये सारी चीजें, कैल्शियम भी 2+ है और बेरियम भी 2+ है, एनायन सेम है हटा देंगे, चार्ज भी सेम है, कैटायन पे चलेंगे, स्मॉलर द कैटायन, और यहाँ पे बोला था लैटिस एंथैल्पी जिसकी ज्यादा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, मीन्स अगर 9th पॉइंट में लिखें तो स्टेबिलिटी लिखना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी लिखना, तो ग्रेटर द स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द स्टेबिलिटी, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ऐसे लैटिस एंथैल्पी करके स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये कंसेप्ट वाइज फेल करता है कहीं कहीं, ठीक है, उसको चेक करेंगे कहाँ कहाँ फेल करेगा कहाँ कहाँ नहीं करेगा। जैसे AlCl3 में एक्सेप्शनली केस आ गया था। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, HCl HF HCl HBr and HI, ये चारों में, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, तो कैटायन सबके सेम है, एनायन अलग अलग है, तो लार्जर द एनायन लार्जर द कोवलेंट कैरेक्टर, मीन्स कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ दिस इज हाई, HI का सबसे ज्यादा है, देन HBr देन HCl देन HF, ठीक है। इस तरह कर सके बहुत सारी चीजों का, कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें, लैटिस एंथैल्पी, सारी चीजें देख सकते हैं, क्लियर है। अगर मैं एक पॉइंट और जो बोला था थर्ड पॉइंट के अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो नोट करके लिखना है, इसमें फोर्थ पॉइंट है, नोट करके लिखना, फॉर सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड चार्ज, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड हैविंग सेम चार्ज, ठीक है। अगर कैटायन का साइज भी सेम है, एनायन का साइज भी सेम है और सेम चार्ज ही है, देन तब क्या होगा, ठीक है, उसमें भी देख लेना, देन इसमें लिखेंगे ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, देन ग्रेटर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर। सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल्स की बात कर लें तो यहाँ पे आएगा CuCl और NaCl, ठीक है। अगर कॉपर के साइज की बातें करें तो कॉपर का रेडियस 96 पिकोमीटर होता है,
और सोडियम का रेडियस की बात करें तो 95 पिकोमीटर होते हैं, मीन्स इस डिफरेंस को डिफरेंस नहीं बोलेंगे। Na के ऊपर भी प्लस वन, कॉपर के ऊपर भी प्लस वन, क्लोरीन के ऊपर भी माइनस वन, इसके ऊपर भी माइनस वन, मीन्स एनायन सेम है। उसके लिए बात करो साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर कैटायन, स्मॉलर कौन है, दोनों सेम ही है, थोड़े से का अंतर को नेग्लेक्ट करो। यहाँ पे देखो अब बातें आ जाएंगी कि इसको कैसे फिर चेक करें, सेम चार्ज, सेम एनायन, सेम कैटायन टाइप का साइज, सारी चीजें सेम, तो इसमें होंगे ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगी उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग होगी उनकी, ठीक है। जैसे एग्जांपल बात करें यहाँ पे तो सोडियम की, सोडियम का बात करें तो यहाँ सोडियम का होता है 281, मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 28 आ गया। कॉपर के होते हैं 2818, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 29 होते हैं, अब 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हाईली या फिर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 जो है वो लो इलेक्ट्रॉन, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखने अंदर के नहीं, लो इलेक्ट्रॉन्स या फिर स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल नहीं क्या बोल सकते उसको, कम को क्या बोलते, लेस इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट में होंगे उसकी कोवेलेंट करेक्टर वेरी मच होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना, नीचे में लिखना CuCl का कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaCl। अब कोवेलेंट पता चल गया तो सबसे कंपेयर कर दो ना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट करेक्टर जिसका ज्यादा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही कम, मींस कोवेलेंट करेक्टर अगर CuCl का ज्यादा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CuCl इज लेस, यहां पे लिख लेना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CuCl इज अप्रोक्स 400 व्हाइल NaCl इज 800, लो ना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, लिख लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो कर देगा। हाँ तुम लोग गलती से इसको सही कर सकते थे, अगर ये फोर्थ पॉइंट मैं नहीं बताता या फिर फोर्थ पॉइंट तुम लोग नहीं सीखो तो भी गलती से सही कर दोगे, कैसे, तुम लोग बोलोगे सर कॉपर की साइज सोडियम से बड़ी होती है, ठीक है, ये तुम लोग को पता नहीं कि बराबर होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सोडियम पहले आता है, कॉपर बाद में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो देखता हूँ प्रो, तो कॉपर की साइज सोडियम से बड़ी कर दोगे, अब बड़े करने के बाद वैसे ही अपना लगा दोगे चांसेस और सही हो जाएगी, लेकिन ये गलत हो जाएगा मेथड, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल अगर इससे नहीं हुआ तो देखना, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ KCl एंड AgCl, अब बोलोगे सर Ag की साइज बड़ी है KCl से, नहीं नहीं दोनों की साइज सेम है, दोनों की सिमिलर साइजेस हैं, तो यहाँ पे जब भी डी ब्लॉक और एक एस ब्लॉक की बातें हैं या एक पी ब्लॉक की बातें हैं तो वहाँ पे सिमिलर साइजेस ज्यादातर होते ही होते हैं, तो यहाँ की जो भी बात है एनायन सेम है, पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन, चार्ज भी सेम है और कैटायन की साइज भी सेम है, मीन्स तीनों चीज सेम है। अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो इसके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके लेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पोटेशियम का 18 ही होता है ना, 19 होता है तो एक दे दिया तो 18, 47 होते हैं Ag का, एक दे दिया तो 48 इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 48 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर बातें करिए तो तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा लिखते जाना NaF NaCl NaBr एंड NaI, इसको अरेंज करना है ब्रैकेट में लिखना इधर नीचे में, इसको अरेंज करना है आयनिक करेक्टर में, ठीक है, इसमें लिखना आयनिक करेक्टर, इसके बाद लिखना CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2, इसको लिखना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में MgO, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा CaCl2 NaCl, इसको लिखना कोवेलेंट कैरेक्टर में सजाने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अयो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाली क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोलोगे तो लास्ट में समझा दूंगा। इसके बाद है BaCl2 SrCl2 CaCl2
इसको समझाने सजाने हैं किस में सजाओगे? सॉल्युबिलिटी में सजाना। सॉल्युबिलिटी अगर मैं नहीं लिखूं किस सब्सटेंस में, पोलर या नॉन पोलर, तो पोलर लेके चलना। सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर बोलता हूं तब नॉन पोलर बोलना, तो सॉल्युबिलिटी में सजाना है इसको। इसके बाद से LiCl, BCl2, BCl3, CCl4। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या बात। इसको सजाने हैं पोलराइजिंग पावर में, ठीक है। पोलराइजिंग पावर लिख लेना HF, H2O, NH3, CH4। इसको सजाने हैं एसिडिक नेचर में, ठीक है। एसिडिक नेचर, जो जितना जल्दी टूट के H प्लस देगा वही एसिड होगा ना। इसमें थोड़ा कंसेप्ट ऐड कर लेना, इसमें कंसेप्ट ऐड करना। जो जितना जल्दी टूट के H प्लस देगा वो एसिडिक होगा। अब सबसे जल्दी है H प्लस कौन देगा? जो जितना ज्यादा आयोनिक नेचर का होगा, तभी तो आयन में टूटेगा। तो जितना ज्यादा आयोनिक नेचर उतनी ही ज्यादा एसिडिटी। यहां पे लिख लेना एक पॉइंट और, 10th पॉइंट ऐड करके लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ एसिडिटी। देखो एक एक पॉइंट मिलते जा रहा है, 1/ एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ एसिडिटी। एसिडिटी के और भी पॉइंट्स लिखूंगा, खैर यहां पे लिखो। इसके बाद लिखना NaI एंड AgI, इनको सजाने हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में।